छठ पूजा की क्या महत्व, क्यों मनाया जाता है ये? अपने बच्चे और पति के लिए करते हैं कि हमारे बच्चे पति हमेशा सुखी रहें, लंबा उम्र मिले, कभी कोई दुख ना आए, घर में सुख शांति रहे, इसीलिए करते हैं। और पड़ोसी बीमार हो जाए? नहीं, पड़ोसी क्यों, अब जब हम करते हैं पड़ोसी भी सुखी रहे, सुखी रहे हमारे बच्चे भी सुखी रहे, सभी एक तरफ। हाँ जी हाँ, ससुराल में मायके में सब सुखी रहे, अच्छे जीवन की कामना करते हैं आप लोग। हाँ, तो ये पानी में खड़े होने का क्या मकसद होता है? पानी में खड़े होते हैं कि सूरज बाबा का अर्क देते हैं। हाँ, शाम को ढलते हुए के, सुबह खड़े होते हैं तो उगते हुए को अर्क देते हैं। एक महिला बता रही थी कि 36 घंटे का व्रत रखता है, आपका भी व्रत है? हाँ जी, हमारा भी व्रत है। आपने? हम परसों से रखे हैं, परसों सुबह से। तो व्रत मतलब कितने दिन का होता है व्रत? ये 3 दिन का होता है। 3 दिन का? 3 दिन का होता है। 3 दिन के अंदर आप क्या लेते हैं फरार के अंदर? कुछ नहीं, ऐसे ही ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं, कुछ हाँ। नहीं, ऐसे ही रहते, निराजली व्रत है। निराजली? हाँ जी। तो ये व्रत आप कब खोलेंगे? ये कल हम खोलेंगे, जब सूरज दिखाई देंगे ना उसके बाद। और आज शाम को? आज शाम को नहीं खुलेगा, बस अर्घ देंगे फिर ऐसे ही रहेंगे, कल का पहला अर्घ जो होगा बाद में उसके बाद हम खोलेंगे।